बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने स्प्रिंग एडमिशन का ऐलान कर चुकी है और इसके अंदर बीएस, एमएस, एमफिल, पीएचडी के प्रोग्राम्स जो हैं ओपन हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताना है ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार और इसके अंदर जो टेस्ट जो बेस सिस्टम है, जो कि नेट या टेस्ट है या सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं किस तरह से अपने टेस्ट को जो है क्लियर आउट कर सकते हैं। और इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इसको लाजमी ज्वाइन कर लें। इसके अंदर डेली बेसिस पे जॉब्स अपडेट, पास पेपर, गेस्ट पेपर, यूनिवर्सिटीज एडमिशन, स्कॉलरशिप, हर तरह की इसके अंदर अपडेट्स शेयर की जाती है ताकि आपको घर बैठकर आसानी से हर तरह की अपडेट्स जो है वो मिल सके। इसके बाद आज हम इसकी एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप लोगों ने देख लेना, एडमिशन ओपन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान स्प्रिंग एडमिशन 2024 और ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटिंग थ्रू द यूनिवर्सिटी ऑफ वेबसाइट www.bzu.edu.pk की वेबसाइट के ऊपर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अंडर ग्रेजुएट की बात की जाए तो यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग के प्रोग्राम जो कि अंडर ग्रेजुएट के, जो कि बीएस के प्रोग्राम जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स देख सकते हैं और यहाँ पे जिस प्रोग्राम्स के अंदर आपने अप्लाई करना है उसका तरीकाकार भी आप लोग देख सकते हैं। नोट क्या है, प्रोविजन एडमिशन इन बीएस फर्स्ट सेमेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट वन के ऊपर जो है आपका एडमिशन किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट बीएस फिफ्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो एडीपी के अंदर ये प्रोग्राम्स आते हैं, इसके अंदर भी बीएस के प्रोग्राम जो कि ओपन आउट हो चुके हैं, जो कि बीएससी के बाद होते हैं। इसी तरह से एमएस, एमफिल, एमएससी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके अपना एडमिशन जो है कन्फर्म आउट कर सकते हैं। इसी तरह से पीएचडी प्रोग्राम्स की बात की जाए तो पीएचडी के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश, अरेबिक, इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिकल, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनाटॉमी, हिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, फार्मासिस्ट एंड पैथोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के प्रोग्राम्स पीएचडी के ओपन आउट हो चुके हैं। स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी अवेलेबल करती है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और रैंकिंग के लिहाज से पंजाब यूनिवर्सिटी के मुकाबले में जारी है। तो पीफ स्कॉलरशिप, एचएससीडीडी बेस स्कॉलरशिप, ब्रिटिश काउंसिल स्कॉटिश स्कॉलरशिप की स्कीम जो है वो स्टूडेंट्स को देखती है। इसी तरह से लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 30/3/2024 को इसकी लास्ट डेट है, जो कि ऑनलाइन अप्लाई की है। इसी तरह से एडमिशन टेस्ट इसका कब होगा, पीएचडी, एमएस, एमफिल बेस, एमएससी टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन द 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा, जो कि डिपार्टमेंटल गैट टेस्ट फॉर द एमएस एंड द गैट टेस्ट फॉर द सब्जेक्टिव फॉर द पीएचडी वैलिड होगा। इसी तरह से अंडर ग्रेजुएट के लिए नेट टेस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए गैट टेस्ट का आगाज करती है और उसके अंदर भी सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होता है जो कि पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए होता है। वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो इनके अंदर नेट गैट टेस्ट की तैयारी करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, आपको फुली डाटा प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी और इंशाल्लाह आपके एडमिशन को बीजीयू के अंदर कंफर्म आउट किया जाएगा। इसी तरह से इसके एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख सकते हैं कि इसकी किस तरह से एडवर्टाइजमेंट है और इसकी ऑनलाइन अप्लाई किया है, सिंपल आपने आ जाना है इसी पेज के ऊपर bzu.edu.pk की वेबसाइट के ऊपर। तो हम आ चुके हैं तो इसके अंदर एडमिशन किस तरह से अपने आप को कंफर्म करना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम फॉल 2023 और यहाँ पे बहुत जल्द अज जल्द जो है स्प्रिंग एडमिशन 2023 आने वाला है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, तो यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेना है अगर स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर फर्स्ट टाइम इसी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं तो सबसे पहले इसको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे लॉगिन आईडी पुट करेंगे तो इसके बाद जो होगा आपकी एप्लीकेशन जो होगी नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे क्या करना होगा, एकेडमिक डिटेल देनी होगी और उसके बाद एजुकेशनल चूज करना होगा, प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद एकेडमिक डिटेल, उसके बाद चूज प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम्स के अंदर आप लोग एडमिशन ले रहे हैं और लास्ट के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट करके उसका चलान जो होगा वो डाउनलोड करके चलान पे करके दोबारा से उसे अपलोड कर देंगे। ये एक तरीका कार है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, घर बैठकर आपकी ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगी। अगर कोई इसके अंदर क्यूरीज है या कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही देन भी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, आपको फुली गाइडलाइंस दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।